हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशली यू कंसिडरिंग टू बाय एसयूवी कार। देखिए, एसयूवी की डिमांड रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एसयूवी इन पेट्रोल अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रेजेंट एज में, तो मैं आपको बोलूँगा स्ट्रांगली डोंट बाय इट। एंड देर आर स्ट्रांग रीजन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि एसयूवी इन पेट्रोल इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन, बट देर आर स्ट्रांग रीजन बेसिस द प्रेजेंट एज जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले चीज़ जान लीजिए, हिस्टोरिकली जो 2015 से पहले एसयूवी कार्स का मतलब ही ये होता था डीजल के अंदर। द डिमांड ऑफ एसयूवी यूज्ड टू बी इन डीजल, बिकॉज जो डीजल के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो कार की पुलिंग पावर होती है, जो कार की परफॉर्मेंस होती है, वो बेहतर होती है। डीजल इंजन्स में कार की रनिंग कॉस्ट भी कम आती है। एंड नंबर थ्री, डीजल क्या होता है, इट्स अ लाइट फ्यूल, इट ल्यूब्रिकेट्स द कार इंजन कंपोनेंट्स। पेट्रोल डिटर्जेंट होता है, वो जो इंजन पे ऑयल वॉयल होता है वो उसको इनफैक्ट साफ कर देता है। तो डीजल इंजन्स की लाइफ बेहतर मानी जाती थी। उसके जो इंजन के कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, दोस टेंड टू परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स वाई द डीजल वॉज अ पॉपुलर चॉइस। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स आए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स आए साइटिंग पॉल्यूशन कंसर्न, और उसके बाद डीजल कार्स पे दिल्ली के अंदर बैन लग गया। ऐसा कहा गया कि डीजल कार्स दिल्ली में 10 इयर्स अलाउ होगी, पेट्रोल कार्स वुड बी अलाउड टू रन फॉर 15 इयर्स। और चूंकि दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर द पैसेंजर कार सेगमेंट, दिस इम्पैक्टेड द डिमांड ऑफ डीजल कार्स एवरीवेयर। दूसरी बात, पेट्रोल कार सस्ती होती है, अफोर्डेबल फैक्टर है, तो लोगों को लगा भाई पेट्रोल एसयूवी की भी एक ऐसी बात है, उसमें क्या बुराई है। एंड कंपनी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यूनिट। लेकिन आप जान लीजिए प्रेजेंट एज में क्या हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस एट द स्काई रॉकेट। और ऐसा नहीं कि डीजल के प्राइस कम है, पेट्रोल अगर 105 रुपए है मुंबई में, देन डीजल इज़ आल्सो क्लोज टू 95 रुपीज़ अ लीटर। लेकिन साहब, आपको इसके बारे में पता है कि जो एसयूवी कार्स होती है, उस कार्स की टिपिकली फ्यूल एफिशिएंसी कम आती है, और रीज़न भी ये है, एसयूवी कार्स आर बल्कियर, इन कार्स का बॉडी वेट ज़्यादा होता है। एसयूवी कार्स के जो टायर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची होती है, सो ऑल दिस इम्पैक्ट द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ कार। हिस्टोरिकली एसयूवी यूज्ड टू सेल ओनली इन डीजल, फिर ये पेट्रोल का ट्रेंड आगे स्टार्ट हो गया। अब जिनके पास पेट्रोल एसयूवी कार्स हैं, उनसे पूछिए जिन्होंने 4-5 साल में लिए, क्या उनको 11 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच से ऊपर की माइलेज मिल रही है? इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर इवन गेटिंग द फ्यूल एफिशिएंसी रेंज ऑफ 10 to 11 किलोमीटर। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेट्रोल के प्राइस अब 105 रुपये है, इस बात की आशंका बिल्कुल है कि बाजार में गवर्नमेंट आने वाले समय में, जिस हिसाब से कोविड ने इकनॉमी में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को इम्पैक्ट किया है, हो सकता है अगले 2 साल में आपको पेट्रोल 125 से 130 रुपये लीटर मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि डीजल आपको सस्ता मिलेगा, डीजल वुड ऑल्सो रेंज 115 to 120 रुपीज़ लीटर। लेकिन साहब, जो डीजल कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी होती है, वो अमूमन पेट्रोल कार से रियल लाइफ टर्म्स में 25 से 30% बेहतर होती है। वो सिनेरियो कैसा रहेगा जब आप बोलेंगे पेट्रोल एसयूवी की जो रनिंग कॉस्ट है इस इन द रेंज ऑफ 12 to 13 रुपीज, और उसी मुकाबले अगर डीजल एसयूवी आप लेते हैं, वहाँ पे जो आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी 7 to 8 रुपीज, ऑलमोस्ट दिस इज़ अ फ्रैक्शन डिफरेंस ऑफ 33 to 35%। और ये बड़ा फैक्टर है, आपको उसके बारे में जानना है कि बाज़ार में हो क्या रहा है। मैन्युफैक्चरर्स भी कंज्यूमर्स को उन्हीं के हिसाब से अब पेट्रोल एसयूवीज ऑफर कर रहे हैं, बट कंसिडरिंग द इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ द फ्यूल, कंसिडरिंग द फैक्टर कि डीजल कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए डीजल कार्स के जो वेयर एंड टीयर होता है, जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, वो कम वेयर एंड टीयर होते हैं एज अगेंस्ट द पेट्रोल, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस सो एज टू कंसिडर बाइंग अ डीजल कार। एंड ऑल्सो द फैक्ट, आज की तारीख में अगर आप ह्यूंडई की अल्काज़ार देखेंगे, पेट्रोल डीजल का प्राइस कैप इट इज़ लेस देन 50,000 रुपीज़ इन सम ऑफ द मॉडल वेरियंट्स। फोर्ड की एकोस्पोर्ट देखिए, एकोस्पोर्ट में जो उनका 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है और जो 1500 सीसी का TDCI डीजल इंजन है, चलाने में तो बहुत फ़र्क है, साथ में जो प्राइस कैप है वो भी 50,000 रुपये से कम है। देयर आर मेनी अदर कार्स इन विच द प्राइस कैप इन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इज़ वेरी लेस, एंड इट मेक्स ऑल सेंस सो एज टू कंसिडर अ डीजल कार।
फॉर योर पीस ऑफ माइंड. आपको ऐसा नहीं हो कि चिंता लगे कि मैं 12 रुपये में मैं कार चलाऊँ कैसे, मैं कार खड़ी कैसे करूँ. तो एक ज़रूरी बात है, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई क्यों ले लूँ डीजल कार, ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन डीजल कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट महंगी होती है. मैंने ही आपको पहले वीडियोस में बताया है, बैटरी कॉस्ट हायर, क्लच प्लेट असेंबली कॉस्ट हायर. डीजल कार्स के आप अगर सर्विस पे जाएंगे, उसमें जो इंजन ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंजन का साइज़ बड़ा होता है, या आपको जो डीजल कार्स की फ्यूल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, द पार्ट्स आर स्लाइटली ऑन अ हायर साइड. साहब ये जान लीजिए, अगर पार्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा है, इट ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू 3-4,000 रुपीज़ एट मैक्स ऑन अ ईयरली बेसिस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज सर्विस कॉस्ट एज अगेंस्ट अ पेट्रोल. लेकिन पॉइंट ये है, अगर आपके मन में चिंता है कि डीजल कार्स दिल्ली में 10 साल के लिए अलाउ है, कहीं ये बैन बाकी जगह लग गया, तो इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NOx के जो लेवल्स हैं और जो PM के लेवल्स हैं, भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 में जब ये अपग्रेड हुआ है, आप स्क्रीन पे चेक कर लीजिए, NOx और जो PM एमिशन लेवल्स निकलते हैं, दिस इज नाउ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द BS6 पेट्रोल का. दिस अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द BS6 फ्रॉम BS4 टू BS6. तो एक बहुत बड़ी हाईलाइट है, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी किसी शहरों में बैन लग जाएगा. इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट तो यहाँ पे आगे पिच करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जो डीजल कार्स पे 10 साल का बैन लगा है कोर्ट में, उसको हटा दीजिए. तो यहाँ तक पे बात चल रही है. तो आप अगर इसके बारे में चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, कंसिडरिंग द पॉल्यूशन लेवल्स जो अभी डीजल कार्स में है वो बहुत कम है. तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आज के एज में कौन सी कार लेनी चाहिए, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी प्लीज़ ऑफर डीजल वन. आई थिंक इट मेक्स ऑल सेंस टू कंसिडर डीजल कार. पेट्रोल कार्स SUV के अंदर थोड़ा सा अब बैक साइड पर हो जाइए. जिस हिसाब से फ्यूचर लग रहा है पेट्रोल, जिस हिसाब से और तेज होगा, डीजल पे सरकार फिर भी थोड़ा रोकथाम करने की कोशिश करेगी, बिकॉज डीजल ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होता है. डीजल को ऐसा नहीं कर देगी कि बिल्कुल खुला कर देगी, थोड़ा सा गैप रखेगी. 15-1 रुपये का आने वाले समय में अगर पेट्रोल 125-130 होता है तो डीजल पर 15 रुपये गैप मिलेगा, क्योंकि अगर डीजल को खुले हाथ रख देगी तो साहब ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महंगी हो जाएंगी. तो एक ऐसा आपको बड़ा सेंसिबल चॉइस बता रहा हूँ कि अगर आपके SUV की रिक्वायरमेंट है, ड्राइव करिए, ऑप्ट करिए एंड गो इन फॉर अ डीजल कार. ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस आपको बेहतर मिलेगा. तो एक ज़रूरी जानकारी थी, आई थॉट टू शेयर विद यू. इसके साथ साथ आप कोई भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पे बायर्स हैं, कुछ एक ओनर्स हैं, इंटरेक्ट करिए, जानिए क्या स्कीम्स हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, कैसी परफॉर्मेंस है. प्लस अगर आपको कोई एक्सपर्ट सपोर्ट की ज़रूरत है, यू रिक्वायर प्रोफेशनल सपोर्ट, तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज ऑल देयर फॉर यू. आ जाइए और एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए अबाउट द कार यू लुकिंग टू बाय. That was all about today's session. If in case you like to video ko forward zarur kariye, video ko share kariye. Channel My Car Helpline pe naye hain, subscribe kariye for the very best of updates on the auto sector. Thank you.